Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. And Salman Siddiq, and I have a friend here, Sumer. अफ्तारी पे आए हुए थे आज, तो आज हमने बस देखते देखते अभी 11 बज गए हैं रात को बैठे बैठे, तो हमने कहा यार चलो कोई रिएक्शन वीडियो बना लेते हैं. आजकल क्रिएटिविटी के बहुत चांसेस मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये एक आइडिया आया ऐसी रैंडम. तो एक वीडियो है इरफान जुनेजो की, जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं. जुनेजो भाई अभी वापस आए हैं, बल्कि उन्होंने एक नया चैनल बनाया अपना जुनेजो 2.0, तो उस पर अभी 85,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. तो इट टेल्स के हाउ मच पीपल एक्चुअली मिस्ड हिम, बिकॉज उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है. इट्स गुड, इट्स विजुअली अट्रैक्टिव. एक पैकेज जो होता है उनका, ओवरऑल बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज होता है. वट एवर कंटेंट ही मेक्स इज ऑफ वैल्यू. उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो शॉर्ट में ही वो कम्प्लीट्स द होल स्टोरी. ही हिमसेल्फ सेड के वो स्टोरी पर सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, और इट इज़ एक्चुअली एविडेंट. ये वीडियोज़ में नज़र आ जाता है कि वीडियो के ऊपर कितना टाइम जो है वो देते हैं, क्वालिटी से ही पता चल जाता है. एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और बाकी बातें फिर इंशाल्लाह वीडियो के बाद स्टार्ट करते हैं. राइट, सो रेडी, 3, 2, 1, हियर वी गो. मैं और मेरी पूरी पलटन हम लोग जा रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए. उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि मैं पेप्सी के कमर्शियल में आऊँगा. तो अब तो मेरा कहना बनता है कि 12 रुपए की पेप्सी आई तेरा पेप्सी. पेप्सी 12 रुपए की नहीं है, लेकिन खैर इट राइम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आज वो कमर्शियल की शूट है जिसमें मैं अभी मैं आमिर भाई को पिक करने के लिए आया हूँ. आमिर भाई मेरे साथ जाएंगे. मेरा एक्चुअल स्लॉट रात को 11:30 बजे शुरू होता है. अभी हो रहे हैं 12. यूट्यूब की गलियों से निकल के टीवी पे आना इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, तो इस दिन को तो डॉक्यूमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. वैसे तो मैं रात को 10:30 बजे भी घर से निकल सकता था, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी है ना, मक्खी ने शॉट खराब कर दिया, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी है ना कि मैं 12 बजे जा रहा हूँ. व्हाट इज़ क्या हो गया, चले ना. मुझे जल्दी क्यों बुलाया आपने? मैंने कोई जल्दी नहीं बुलाया, तू लेट उठा, मुझे क्या पता तुमको फोन आया मुझे 12:30 बजे. ये आमिर भाई की सबसे पुरानी ट्रिक है. इरफान तो आएगा ही लेट, तो इरफान को एक्चुअल टाइम से पहले का टाइम बताओ, ताकि आते आते एक्चुअल टाइम हो जाए. ये अलग बात है कि मैं कभी लेट नहीं हुआ, ये सिर्फ आमिर भाई का परसेप्शन. तो इस तरह के गेम्स करते हैं आमिर भाई मेरे साथ फालतू. मुझे मिला के इस एड में टोटल 5 लोग फीचर हो रहे हैं. मुझसे आप मिल चुके हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं. बाकी 4 लोग कौन हैं, कभी सोचा आप? ये हैं वैस खान, गिटारिस्ट फ्रॉम द बैंड कश्मीर, और मैं वैस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो जाहिर सी बात है, मैं वैस से मिलूँगा तो मैं थोड़ा स्टार स्ट्रक हो जाऊँगा. तो मुलायजा फरमाइए, द स्टार वैस खान एंड द स्टार स्ट्रक इरफान जुनेज. तो आज शूट पे पहले टैलेंट हैं कश्मीर के गिटारिस्ट वैस खान. वैस भाई कैसे हैं यार, आप बताएंगे क्या सीक्वेंस था आपका, क्या कर रहे हैं आप? यार मैं बहुत जंपे मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे पाँव दर्द करने शुरू हो गए एंड ये सीन हो रहा है. वैस की जैकेट मैंने देखी ना, बोला एड में सबसे अच्छा वैस की नहीं, 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 जैकेट का कमाल है ऑनेस्टली, ये सीन है. वैस के बाद मैं मिला आबिद ब्रोई से. आबिद ब्रोई का आपने नाम सुना होगा, द सिब्बी सॉन्ग गाया था इन्होंने. ओ रे जान, आबिद ब्रोई. अस्सलाम वालेकुम भाई, दिस इज आबिद ब्रोई और जुनेश मेरे साथ है. हाँ, मेरे साथ हैं वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, वेरी अंडररेटेड आबिद ब्रोई.
और आबिद से मैं ये दूसरी दफ़ा मिल रहा हूँ, पहली दफ़ा मैं लाहौर में मिला था इनको, मैंने स्टेज पे देखा, स्टेज पे आबिद की प्रेजेंस ही अलग होती है और एक आबिद की खास एक हंसी है। आबिद के बाद मैं मिला अनीता से, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एमएमए फाइटर ऑफ पाकिस्तान, एंड आई मेट नूर द वेरी फेमस एक्ट्रेस एंड मॉडल। अनीता है और नूर है, तो हम पांच लोग हैं ऐड में, हम पांच, मैंने बोला ना मुझे वो याद आ गया, हम पांच पप्पा। अब आपको पता है कि ऐड में कौन कौन है, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेल यू कि ऐड है किसका। तो सीन्स तो जैसे हैं कि दिस इज द ऑल न्यू कस्ती ब्लैक, इसका कमर्शियल शूट हो रहा है और इट हैज़ अ वेरी बोल्ड फ्लेवर, इट्स ऑल अबाउट बींग बोल्ड, बींग योर सेल्फ, जिसकी वजह से जितने भी लोग इस ऐड में हैं, मैं, वैस, आबिद, अनीता, नूर, ये सब लोग कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे, देर ऑल जस्ट बींग देमसेल्फ, जो सबसे अच्छी बात है। इसके सारे पैसे हैं, अब बस अब मैं भी हूँ। तो अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि ऐड में कौन कौन है और ऐड किस बारे में है, तो अगर अब मैं आपको बोलूँ कि सीन्स कुछ ऐसे हैं तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि भाई क्या बोल रहे हो, कैसे हैं। तो नाउ दैट यू नो एवरीथिंग, सीन्स कुछ हम जब से यहाँ पर आए, इरफान पागल हो गया इक्विपमेंट सेट वेट लेके, अभी वही ख़राब है और देख ही रहे हो क्या रहा, प्रोसेस क्या है ये, वांटेड टू कैप्चर दिस होल जर्नी कि क्या होता है, हम सीख भी तो रहे हैं ना, जैसे फोकस बुला रहे हैं। सबसे हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है पैकअप कितने बजे होगा? 4 बजे सही तक आप यही हैं, सही मतलब 4:30 2 बजे तक। ये डायरेक्टर है हमारे, आप मैं डायरेक्टर हूँ। पैकअप कितने बजे होगा? पैकअप इंशाल्लाह सुबह 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 शहरी तक, ये जरिए हमारे साथ शहरी करके जाएंगे, ठीक है। दूसरा वोल्ट है, अफतारी अफतारी से पहले आए थे, शहरी करके जाएंगे। आबिद भाई फुल स्वैग में बैठे हुए हैं, पूरे जिस्म दर्द कर रहा है सर, स्वैग देखिए ये, आप देखो आग फिलहाल हो चुकी है सर, थका हुआ है सर, टुकड़ टुकड़ हो गया, मैंने जिंदगी में नहीं किया इतना बड़ा हफ्ता। तो नाउ आई विल टेल यू माई स्टोरी, और इस कहानी को आपने इस पूरी वीडियो के दौरान अपने दिमाग में रखना। मेरा दिन स्टार्ट हुआ था एक्साइटमेंट से, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्साइटमेंट के बाद मैं थोड़ा स्टारस्ट्रक था, लेकिन स्टारस्ट्रक के बाद मुझे चीज़ें काफ़ी सरियल लगने लगी। अब्दुल्ला हारिस, वन ऑफ माई फेवरेट फोटोग्राफर्स ऑफ ऑल टाइम, वो मेरी तस्वीरें खींच रहे, ये तस्वीरें बिलबोर्ड पे आएंगी, हसन दावर कमर्शियल डायरेक्ट कर रहे हैं, ये कमर्शियल टीवी पे चलेगा, मैं ये शक्ल पेप्सी ब्लैक के कमर्शियल में फीचर हो रही है। आपको पता है पेप्सी कमर्शियल में और कौन कौन आया? लियोनेल मेसी, मोहम्मद सलाह, तो क्या बोले, नॉट कमिंग स्लो बोले कि नहीं बोले? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं हाउ बिग ऑफ अ डील दिस इज़ फॉर मी, तो आप मेरे चैनल पे पहली वीडियो जाके देखें, द फर्स्ट वीडियो, और फिर दोबारा आके ये वीडियो देखें, तो फिर आप बोलेंगे कि अच्छा तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, और मैं बोलूँगा जो बात है ब्रो, तो सीन कुछ ऐसे हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वीडियो एंड हो जाएगी, मुझे भी ये लग रहा था कि वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगी, लेकिन मुझे फिर कॉल आई एक कि आज कमर्शियल लॉन्च हो रहा है और आज ही पूरे कराची में बिलबोर्ड लग रहे हैं। तो मैंने पूछा मेरा कहाँ लग रहा है, मैं बोला आपका लगेगा क्रीक विस्टा के पास डिफेंस फेज 8 में, मैं बोला मैं भाग के आ रहा हूँ। तो ये है न्यूप्लेक्स, ये है क्रीक विस्टा, और ये हूँ मैं। अभी सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं जिन्होंने लगाना है, अभी सिर्फ वो बैनर जो होता है, पता क्या आ रही है अभी? हाँ। फीलिंग हो रही जब आमिर खान की फिल्म आई है 89 में, वो कयामत से कयामत तक, तो वो बता रहे इंटरव्यू में कि उसने खुद अपने हाथ से शिक्षा पोस्टर लगाए थे पहली फिल्म के, क्योंकि वो फीलिंग वही वही सीन है आमिर भाई, मुझे बोलेंगे मैं भी लगा दूंगा लेकिन लगाना आता नहीं। बहुत अच्छा फील हुआ ये चीज़, फील करता है जो चीज़।
मुझसे मेरे YouTube करियर में बहुत से लोगों ने पूछा है, अंकल आंटी मतलब बड़ी उम्र के लोगों ने, कि बेटा आप करते क्या? तो मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, शौक है आपका, लेकिन आप असल में क्या करते? तो जिस दिन मेरा बिलबोर्ड नज़र आएगा ना मुझे कराची के अंदर, या फिर टीवी पे कमर्शियल चलेगा, मैं बोलूँगा ये करते हैं, ये दिस इज बहुत ज़रूरी है बताना, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ। तो समय कैसी लगी? बहुत फर्क यार माशाल्लाह, अलॉट बिग अचीवमेंट। एक्चुअली वी हैव सीन दिस वीडियो, इट्स क्वाइट एन ओल्ड वीडियो, लेकिन दोनों को याद था, इनको भी याद था इस वीडियो का, मुझे भी याद था, और बहुत अच्छा हो गया था ये वीडियो देखे में, क्योंकि जिनेजो एक्चुअली डिसाइडेड टू क्विट यूट्यूब, नॉट फॉर एवर, बट उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि मुझे अभी कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा जिसकी जो मैं शौक से करूँ, तो इसीलिए क्विट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी बना भी नहीं रहा। वांट अ किक, हाँ, न्यू किक, न्यू किक, उनको GTA 5 की किक मिली है उनको, तो वो ही इज रियली एंजॉयिंग इट, और वो वीडियोस हैं भी बहुत फनी, एंड ही हैज दैट आर्ट टू टेक आउट अ स्टोरी फ्रॉम अ गेम ओनली। वो कहीं जा नहीं रहा, वो कहीं जाके ब्लॉग्स नहीं बना रहा, वो घर से बैठ के एक GTA 5 के ऊपर ही कैन मेक अ स्टोरी, सो दैट टेल्स हाउ यू नो टैलेंटेड ही इज और हाउ मच टाइम ही स्पेंड्स ऑन हिज ब्लॉग्स। तो ये बहुत बड़ी बात है, आई थिंक उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या अच्छा फील होता है, उसके हिसाब से वो वीडियोस को देख रहा है। बस यही, उसने बिल्कुल यही बोला था कि फील होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, और जबरदस्ती नेवर, वन शुड नेवर फोर्स, के जो चीज नहीं सही लग रही वन शुड स्पीक आउट, कभी भी, चाहे वो जॉब में कोई हो। समटाइम्स हम लोग ये करते हैं कि नहीं बेटा कर लो, हालात को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है वो भी, दैट इज समथिंग एल्स, बट ये कि इंसान को अच्छा एक चीज अगर वैसे साइड में हो रही है तो उसको एटलीस्ट साइड, उस साइड बाय साइड को ऐसी चीज करनी चाहिए जो उसके शौक की हो। सिर्फ आपको पूरी जिंदगी टॉर्चर नहीं होना चाहिए कि यार मैं एक ही चीज कर रहा हूँ और वो भी मेरे पसंद की नहीं है। वन शुड नॉट डू दैट। अगर वो कर भी रहा है मजबूरी में, तो साथ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि उसको बैलेंस कर सके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेशक एक जगह वर्क जॉब पे जा रहे हो, लेकिन आपका व्हेन यू आर होम यू शुड हैव समथिंग दैट यू नो, क्रिएटिव साइड जो आपकी होती है, हर इंसान में होती है, लेकिन वो जॉब से आता है थका हुआ होता है और वो उसकी क्रिएटिव साइड यू नो डेड हो जाती है। एनर्जी, एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें एनर्जी और एक स्पार्क होना चाहिए, देन ही हैज टू डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। और आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे, यू नो पीपल शुड रिलाई ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब, आजकल तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा टीचर ही है, और इतनी क्रिएटिविटी के ऑप्शंस हैं। तो मेरा उनसे भी एक एक एडवाइस होगी फॉर पीपल हु आर यू नो डाउन एंड आउट या लो लाइफ है, कि यार कुछ इतनी चीज़ें करने को, फ्री एडिटर्स हैं आपके पास, फ्री प्रोग्राम्स हैं कि आप जो यूज़ कर सकते हो, और अपनी क्रिएटिव यू नो किसी भी रीज़न से अगर आप डाउन एंड आउट हो या किसी वजह से लो चल रहे हो, तो यार इतना कुछ है आपके पास करने को आजकल तो ऐसे लॉकडाउन में। द बेस्ट केस कि आप अपने को खुद मोटिवेट करो, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, यू हैव टू थिंक कि मैं आई कैन मेक माई सेल्फ मोटिवेट। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये इंसान करने, यू आर द ओनली पर्सन यू कैन टेक केयर ऑफ, ये एक एक जनरल कहावत है कि आप ही अपने आप को बेस्ट कर सकते हो, आप ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। क्या नया यूट्यूब का इनका वो है, जुनेजो का नया गेमिंग, जुनेजो 2.0, उसमें भी ये सक्सेसफुल ही रहे इंशाल्लाह। चलें, काफी लंबा ज्ञान हो गया, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी रमजान।